हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चाइनीज भेल बनाना बताऊंगी। ये काफी इजी है और काफी टेस्टी है। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। इसमें बस सॉस का जो मैंने बताया है उस पे आप थोड़ा देखिए और उसी क्वांटिटी के हिसाब से मिक्स कीजिए, काफी टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चाइनीज भेल बनाने के लिए हमने ये पत्ता गोभी एकदम बारीक फाइन चॉप किया है। ये नूडल्स है, मार्केट में आपको कहीं भी अवेलेबल होगा, कहीं भी ग्रोसरी वाले दुकान में आपको मिल जाएंगे। इसमें हमने 4 चम्मच टोमेटो केचप, आधी चम्मच सोया सॉस और 3 चम्मच रेड चिली सॉस और आधी चम्मच वेनेगर, हमने सबको मिक्स किया है और मिक्स करके ये मैंने सॉस तैयार किया। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। बाउल लूंगी, उसमें ये नूडल्स डाला, ये पत्ता गोभी, और ये सॉस। इसे मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स, सॉस में हमने जो क्वांटिटी मिलाया है वो क्वांटिटी मिलाने पे आपका भेल बहुत अच्छा बनेगा। आप भी ट्राई कीजिए और काफी इजी है बना। देखिए, अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो रेड चिली सॉस ज्यादा ऐड कीजिए। ये तैयार हो गया फ्रेंड, इसे अब प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये चाइनीज भेल रेडी हो गया, काफी इजी है फ्रेंड बनाने में। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है ये।